नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। गोंडा जनपद से, जहां पर गोंडा सदर तहसील ब्लॉक झंझरी ग्राम पंचायत पथवलिया बना आदर्श गांव, कराए गए विकास कार्य। जब से नई ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी बनी है, तेजी से कराए जा रहे विकास कार्य। ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव सेक्रेटरी अनूप श्रीवास्तव के सहयोग से प्रधान प्रतिनिधि धनलाल दुबे ने गाँव में कराया विकास कार्य, गिराई उपलब्धियां। मॉडल पंचायत भवन बना, बाउंड्री वॉल, गेट, लाइट, पानी की व्यवस्था, इन्वर्टर, पंचायत भवन में पंचायत सचिव बैठने की व्यवस्था, मीटिंग हॉल, प्रधान बैठने की व्यवस्था, पंचायत सहायक बैठने की व्यवस्था, पंचायत सहायक नियुक्त है, सीसीटीवी पंचायत भवन में निगरानी के लिए लगवाई गई है, सीसी रोड बना है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में सफाई कर्मी नियुक्त हैं, सामुदायिक शौचालय बना है, रोजाना सुबह खुलता है 10 बजे, दिन में बंद करती है, शाम को 5 बजे खुलता है, 8 बजे बंद कर दूर देखरेख के लिए, साफ सफाई के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजाना शौचालय खोला जाता है और बंद किया जाता है, साफ सफाई रखी जाती है। सीसी सड़क गांव के पूर्वी पूर्वा को संपर्क मार्ग से जोड़ा, सड़क मिट्टी पटाई इंटरलॉकिंग कार्य नाली निर्माण कराया गया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कार्ड के कार्ड धारकों लोगों द्वारा राशन सस्ते गल्ले की दुकान कोटेदार के यहाँ मिलता है। गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड नमक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि करते हैं निगरानी। पोटरगंज पथवलिया गांव के कंपोजिट विद्यालय स्कूल में 300 से बच्चे हैं, रसोईया माध्यम से भोजन बनता है, बच्चे खाना खाते हैं। कायाकल्प के माध्यम से स्कूल हेडमास्टर ने कुछ कार्य करवाया है, बाकी है स्कूल के बाउंड्री में दीवार खड़ी, छत नहीं पड़ा है, शिक्षा विभाग नहीं ध्यान दे रहा। पूर्व के स्कूल के हेडमास्टर ने किया घोटाला, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बना, स्कूल अतिरिक्त कक्ष में बच्चे बैठते थे, अब बाहर पेड़ के नीचे जमीन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पढ़ा रही है, विभाग नहीं दे रहा ध्यान। प्रधान ने आंगनवाड़ी केंद्र बनने के लिए प्रस्ताव भेजा है, मंजूर होकर आ जाएगा तो जमीन हमारे गांव में है, बनवाया वहीं। आजादी का अमृत महोत्सव व तिरंगा झंडा हर घर पर लगवाने के लिए गांव में प्रधान कर रहे लोगों को जागरूक। तिरंगा झंडा को लेकर 11 से 15 तारीख तक प्रभात फेरी निकालेंगे स्कूल के बच्चे, जिनके साथ घर घर तिरंगा लग जाएंगे। रोड पर लगे स्ट्रीट लाइट खंबे पर तिरंगे का झंडा लगवाया जाएगा। गोंडा से जिला संवाददाता रामनारायण जयसवाल की रिपोर्ट। कौन सा स्कूल है और आपके यहाँ कायाकल्प प्रधान ने क्या क्या कार्य कराए हैं? कौन सा स्कूल है मैडम? ये कंपोजिट विद्यालय पथवलिया, हमारे यहाँ प्रधान जो हैं उनका कार्यकाल जो इस समय है प्रधान उषा, श्रीमती उषा देवी, उनका सहयोग अच्छा है, जितना उनका तारीफ किया जाए उतना सब कम है। क्या क्या कार्य कराए हैं? तो अभी तो उनका अभी अभी नए नए उनका भी कोई कार्य नहीं, पूरा पुराने प्रधान जो करवाए हैं वो आपके सामने हैं, उनका भी कुछ अच्छा ही था काम, लेकिन जो है अच्छा। ये मैडम आपके यहाँ कितने टीचर हैं? कितने टीचर हैं आपके? शिक्षा मित्र का है? कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं। आज कितने बच्चे आए हैं? 70-80 के बच्चे हैं। क्या कार्य कराए गए हैं? जी, हमारा नाम धनलाल दुबे है, प्रधान प्रतिनिधि पथवलिया, पथवलिया ग्राम सभा है, और हमारे यहाँ नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, यही कार्य हुआ है। 17 सड़क हमने बनवाई है इंटरलॉकिंग की, और एक हमने खड़ंजा मरम्मत करवाया है, 6 नाली हमने बनवाया है, और 58 शौचपीठ का निर्माण हुआ है हमारे यहाँ। 58 शौचपीठ का शौचालय बना है, सामुदायिक शौचालय, और पंचायत भवन भी हमारा पूर्ण हो गया है। कहाँ पे बनवाया गया? पंचायत भवन हमारे यहाँ एक कुशावा ग्राम है, एक गांव है, इसी में वही बना है। कितने
कर्मचारी आपके पंचायत भवन में मिलते हैं? हमारे यहाँ पंचायत सहायक हैं और ये जो शौचालय हमारा है वो समूह के द्वारा संचालित हो रहा है, धनलक्ष्मी समूह के द्वारा। सफाई कर्मी है। आपके जो स्कूल बना है इसमें क्या है? हमारे यहाँ पथौलिया स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट है और यहाँ पे लगभग 300 बच्चे हैं। कायाकल्प में जो हेडमास्टर के द्वारा कुछ कार्य हुआ है, कुछ होना बाकी है अभी और हमारे बजट से अभी कुछ होगा, हमने दिया है। जी पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है जी, हमने प्रस्ताव भेजा है, अभी जब वो आ जाएगा वहाँ से तो उसको बनवाएंगे, जमीन हमारे गांव में है। चलिए तिरंगा को लेकर क्या तैयारियां चल रही, घर घर होना है? तिरंगा हमारे यहाँ जी 11 से और 15 तारीख तक तिरंगा, इसमें हम प्रभात फेरी भी निकालेंगे, बातचीत हुई है स्कूल से भी और गांव घर घर लगवाएंगे और उसके बाद में रोड पे जो हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है इस पे भी हम लगवाएंगे तिरंगा। सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी।